अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरियम किचन में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब हमारी डिलीशियस रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं आज की हमारी न्यू रेसिपी की तरफ, जो है बंद गोभी के पकोड़े। इसके लिए हमें चाहिए होगी मोटी कटी हुई बंद गोभी, जो कि मैंने एक अदद गोभी का फूल लिया है। इसमें डलेगी हरी मिर्च तकरीबन 3 से 4 अदद। उसके बाद इसमें जाएगा हरा धनिया, वो आप थोड़ा सा अपने हसबी ज़रूरत ले सकते हैं। अब इसमें डलेगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून। नाज़रीन, एक बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे जो कि आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बेसन, जो कि 5 से 6 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं, और उसके बाद आप इसको मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद अगर आपको थोड़ी कमी लगेगी तो आप और भी डाल सकते हैं। अभी हमने इसमें डाला है 5 से 6 टेबलस्पून बेसन। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी के साथ इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। नाज़रीन, आप इसको जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे उतने ही ये ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। हाथों के साथ अगर आप इसे हाथों की मदद से मिक्स करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन आप इसके लिए चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको हाथों से मिक्स कर रही हूँ। हमारा मिक्सचर जो है वो अच्छे से मिक्स हो रहा है, और इसको मिक्स करने के साथ ही हमने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल को पहले हमने बहुत हाई फ्लेम पर इसको गर्म किया, और उसके बाद हमने फ्लेम जो है वो लो कर दिया। फ्लेम लो करने के बाद आप जब इसमें पकौड़े डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से अंदर तक गल जाएंगे। नाज़रीन, हमने इसमें अपने पकोड़े जो हैं वो डालने शुरू कर दिए हैं, और आप देख रहे हैं कि इनका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। जैसे ही ये ब्राउन होने शुरू हो जाएंगे तो हम इनको एक एक करके निकाल लेंगे। तो नाज़रीन, हमारे जो पकोड़े हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, आपके सामने हैं। इनका कलर कितना ही ज़बरदस्त आया है, और ये बहुत ही क्रंची और मज़ेदार लग रहे हैं। जी नाज़रीन, हमारे पकोड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, और आप इसको चटनी के साथ या केचप के साथ जो है वो ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी रेसिपी को लाइक करें, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत से आपके लिए रेसिपी लेकर आते हैं, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें। बहुत शुक्रिया। मज़ेदार।